दिस इज मोहम्मद सुलेमान योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा जो कि एनईडी के टेस्ट के अंदर जो है डे वन के अंदर आए थे, और ये एमसीक्यू जो है आपके राउंड टू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपने इनकी एक दफा जो है लाजमी प्रैक्टिस करनी है। तो एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है कि विच लिस्ट ऑफ इसेंट्रिसिटीज इज करेक्ट फॉर कॉनिक्स। बेटा आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की जो है इसेंट्रिसिटी जो है बतानी है। आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि पैराबोला के अंदर जो है आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है 1 के बराबर होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इलिप्स की, तो इलिप्स में जो है आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है लेस देन 1 होती है, ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूं हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला के अंदर जो है आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है 1 से ग्रेटर होती है। तो ये तीन आपके पास केस है। अब आपने अपने ऑप्शंस देखने हैं। देखो पहले वाला केस देखो, इसके अंदर आपको बोला कि पैराबोला ई जो है लेस देन 1 है, ये तो गलत हो गया। दूसरे में देखो पैराबोला ठीक बोल रहा है, इलिप्स भी ठीक बोल रहा है और हाइपरबोला भी ठीक बोल रहा है, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर सर्किल का भी पूछ सकता था, सर्किल की जो है आपको इसेंट्रिसिटी मालूम होनी चाहिए कि ई इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज था। सेकेंड एमसीक्यूज की बात करते हैं कि आपको बताना है कि log a square minus b square किसके बराबर होगा। तो बेटा अगर आपको याद हो a square minus b square का फॉर्मूला, a plus b और a minus b के बराबर होते हैं। बच्चों ने MCQs बहुत गलत किया बेटा। देखो आपने इस फॉर्मूले को ओपन करना है, a plus b आ जाएगा और a minus b आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनको आप सम करके लिखते हो, ठीक है। तो जब आप सम करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस बी, बीच में प्लस का साइन, और फिर आप क्या लिखोगे, log a माइनस बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास दो चीजें डिवाइड में होती है फिर जो है आप उसको किसमें लिखते हो, माइनस में लिखते हो, ठीक है। देख रहे हो आपके पास डी वाला ऑप्शन भी गिवन है, बच्चों ने ये भी लगाया बीच में, कहीं ने बेटा ये भी लगा के आया बीच में, तो इस चीज का जो है आपको ख्याल करना है बहुत ज्यादा। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आपको जो है 2 और 8 जो है रूट्स के बने, आपको जो है b की वैल्यू बतानी है। अब बच्चे बोलते हैं सर हमने b की वैल्यू वहां पर निकाल ली थी, लेकिन ऑप्शंस इतने अजीबोगरीब गिवन थे कि हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा करना किस तरह उसको देख लो। इतफाक आपने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 5 बी एक्स प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपने ये देखा आगे प्लस 2 और प्लस 8 गिवन है, तो इसको आपने इस तरह लिखना है एक्स, अगर आपके पास प्लस में 2 गिवन है तो आपने जो है माइनस में लिखना है x माइनस 2, और x यहाँ प्लस में 8 गिवन है तो क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने इसको जो है सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या आएगा, माइनस का 8x आएगा, और प्लस जो है आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो आपने x स्क्वायर वैसे लिखा, आपस में ऐड करोगे माइनस 10x प्लस 16, और यहां से जो है आपने यही इक्वेशन यहां पर नीचे उतार दी, ठीक है। अब आपने यहां पर करवाना है कंपेयर। कंपेयर किस तरह करवाओगे उसको एक दफा देख लो। यहां पर आपको फाइंड करनी थी b की वैल्यू, ये यहां पर देखो और यहां पर देखो, दोनों सेम है, x x इनका है, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ ले लो, क्या लिखोगे, 5b माइनस का 5b ले लो, और यहां पर जो है आप माइनस का 10 ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी आपके पास, ठीक है। चाहे आप 4b स्क्वायर से 16 को सॉल्व कर लें, यहां से भी आपके पास b की वैल्यू जो है 2 आएगी। अब आप परेशान के भाई b की वैल्यू 2 तो मैंने निकाल ली, लेकिन यहां पर किसी भी ऑप्शन में ऐसा तो कोई जिक्र है ही नहीं। तो बेटा जो आपको 2 और 8 गिवन है ना, आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है। अगर हम c वाली इक्वेशन देखूं, इसमें आपने 2 ले लिया x और 8 ले लिया y, आपने पुट किया 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, माइनस 8 क्या है y है, 8 में से माइनस किया 1 क्या होगा 7 आ जाएगा, 9 माइनस 7 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, तो आपके पास यहाँ पर 2 आया था और यहाँ भी 2 आया आपके पास। इस वजह से आपके पास c ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप a और b ऑप्शन चेक करोगे आपके पास 2 जो है आंसर नहीं आएगा। तो बेटा इस तरह जो है आपने इस ऑप्शन को जो है ठीक करना था। बच्चे नन ऑफ दिस भी लगा गया है बेट इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत भंड मारा बच्चों ने इस सवाल के अंदर। भंड क्या मारा है कि उनने x की वैल्यू जो है पहले पुट कर दी। आपने पहले पुट नहीं करनी, पहले आपने इसका 2 टाइम डेरिवेटिव निकालना है। कई बच्चों ने इसका फर्स्ट टाइम निकाला, सेकंड टाइम निकाला ही नहीं है। पहले आप सेकंड 2 दफा इसका लेंगे डेरिवेटिव,
फिर जो है आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा आप इसका जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ई टू एक्स प्लस वन जो है वैसे ही आ जाएगा। अब जो है आपने क्या करना है, आपने इसकी ऊपर वाली पावर के ऊपर जो है सिर्फ डेरिवेटिव दोबारा से अप्लाई करना है। तो दोबारा से आप अप्लाई करोगे, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टू हो जाएगा और कॉन्स्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो आपके पास क्या आएगा, टू ई टू एक्स प्लस वन, ये आपके पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने के ऊपर आया, ठीक है। अब आपने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो सेकेंड टाइम में आप क्या करेंगे, ई टू एक्स प्लस वन वैसे लिख देंगे। अब दोबारा से इसकी पावर के ऊपर जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका टू आ जाएगा और इसका जीरो हो जाएगा। तो अब टू को आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सॉल्व कर लिया, अब आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, फोर ई, जब आप यहां पर वन पुट करोगे क्या हो जाएगा, टू वन दा टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, तो फोर ई क्यूब। आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बच्चों ने क्या गलती की थी, बच्चों ने बेटा एक्स की वैल्यू इसी के अंदर पुट कर दी थी। जब इसके अंदर आप पुट करोगे ना तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ई थ्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इससे भले दो टाइम डेरिवेटिव लगाओ या तीन टाइम डेरिवेटिव लगाओ, ये ई थ्री रहेगा। तो बच्चे ए ऑप्शन लगा के आ गए, उनका एमसीक्यू गलत हो गया। एमसीक्यू नंबर फाइव की बात करते हैं, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। बेटा ये तो अच्छी बात है कि इसने सवाल ने बता दिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। अगर वो सवाल में ना बताता तो आप जो है इसको चेक करोगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो आप लोग बोलते हो ए, वो आपके पास थ्री गिवन है। अब देखो कॉमन रेशियो निकालो इसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप डिवाइड करवाते हो, आपने जो है सिक्स को डिवाइड करवाया थ्री से, आंसर क्या है आपके पास, टू आया। आपके पास रेशियो क्या है, टू है। अब ट्वेल्व को सिक्स से करवाओ फिर भी आपके पास जो है टू, मतलब आपके पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो टू के बराबर आ रहा है, ठीक है। और आपके पास जो लास्ट टर्म गिवन है वो 96 के बराबर है। तो बेटा इसका फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, आपने लास्ट टर्म लिखनी है, तो लास्ट टर्म क्या है, 96 है, आपने 96 लिख दिया, इज इक्वल टू आपने लिखना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, थ्री थी, आपने थ्री लिखा। उसके बाद क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आपके पास टू है, टू। अब कॉमन रेशियो के ऊपर होता है n माइनस वन, तो आपने n माइनस वन लिख दिया। n जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि आपको मालूम करना है, ठीक है बेटा। अब आपने 3 को डिवाइड करवा दिया 96 के साथ, आपके पास आंसर क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। और यहां से आपके पास क्या आएगा, 2 पावर n माइनस वन। आप लोग जानते हो कि 2 की पावर 5 जो है 32 के बराबर होती है, तो आपने 2 पावर 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस वन। बेस सेम हो गए इनकी, तो आप जो है क्या करोगे, 5 इज इक्वल टू n माइनस वन आ जाएगा। n की वैल्यू फाइंड करनी है, माना क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, n आपके पास जो है 6 निकल के आएगा। तो बेटा आपके पास D वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 6 की बात करते हैं, आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो बेटा बच्चों ने इसके अंदर क्या किया, रेशनलाइजेशन करने लग गए, बहुत पता नहीं किस तरह सॉल्व किया इसको, बहुत ही आसान MCQs था। आपने इसका LCM ब्रेक करना है, ठीक है। LCM ब्रेक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, आपके पास ये निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 5 बचेगा और माइनस का 2 अपॉन 5 आयोटा बच जाएगा आपके पास। ये इसने पूछा कि भाई इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास, माइनस 2 अपॉन 5 है। तो आपके पास डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। बहुत ही कम सेकंड्स का एमसीक्यूज था, बच्चों ने इसको रेशनलाइजेशन लगाई है, पता नहीं क्या किया, तो टाइम बहुत वेस्ट किया इसके ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर एलन एक्स का। बेटा यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज करना है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले वाली टर्म को जो है आपने इसी तरह लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब सेकंड वाली के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, एलन एक्स का डेरिवेटिव जो है आपके पास 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। बीच में साइन किसकी यूज होगी, प्लस की होगी। अब आपने क्या करना है, पहले आपने एक्स स्क्वायर को जो है इसी तरह लिखा था, लेकिन अब जो है आपने इसके ऊपर क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है और एलन एक्स को जो है इसी तरह लिख देना है। तो एलन एक्स से आपने इसी तरह लिख दिया और एक्स स्क्वायर पे जो है डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई करोगे, उसके ऊपर जो उसकी जो पावर है ना उसको नीचे लिखो, एक्स लिखो और उसमें से जो है माइनस वन कर दो। माइनस वन करो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन क्या होता है, वन होता है। तो वन ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास यहाँ पर टू एक्स आ गया, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, एक्स प्लस टू एक्स एलन एक्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल डेरिवेटिव है, इसको समझोगे तो मुश्किल नहीं होगी आपको। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, बच्चे लगे रहे और प्रूफ नहीं हुआ हमसे, कहां पर मिस्टेक की बच्चों ने, इसको देखते हैं। cos x, cosec x प्लस sin x और sec x।
अब आपने cos x को वैसे नीचे लिख दिया, और cos x क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन sin x होता है, ठीक है बेटा, प्लस sin x आपने वैसे लिख देना है, और sec x आपके पास जो होता है 1 अपॉन cos x होता है। अब यहां पर आपने LCM लेना है, LCM लोगे तो sin x और cos x नीचे आ जाएगा। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस मल्टीप्लाई का ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों किसके बराबर होते हैं, वन के बराबर होते हैं, तो क्या लिखोगे इसको, वन अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स। वन अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक के, कॉसेक एक्स, और वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक एक्स के। तो आपने यहां पर लिख दिया, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं, यदि बोलना कि टेंजेंट थीटा जो है कौन से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, इसको बताना है आपने। तो बेटा मैं आपको चारों क्वाड्रेंट जो है समझा देता हूं, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड वाला है, और ये आपके पास जो है फोर्थ वाला है। बेटा इसके अंदर आपके पास तमाम एंगल जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में सिर्फ आपके पास जो है साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो है बचेंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड की बात करूं, थर्ड में जो है हमारे पास टेंजेंट और जो है उसके अलावा कॉट, ये दोनों जो है हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपका जो सवाल का जो आंसर है वो तो आपके पास पता चल गया पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर में जो है आपके पास कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो है आपके पास नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये जो है ज़हन में रहना चाहिए आपके। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं, आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। बेटा इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जो है किसी तरह दो टर्म्स को सेम बनाना है, तो फिर उसके ऊपर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या करना था आप लोगों को, कि आपके पास ये है C2 कॉलम या आपके पास C3 कॉलम, C2 को जो है आपने C3 में ऐड करवाना है। ऐड करवाने से आपको क्या होगा, देखो इसको ए बी सी वैसे रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो है C3 में ऐड करवा दिया C2 को, ठीक है। इससे आपने क्या किया, कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी को। जब आपने कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी को, तो आपके पास क्या बचेगा, वन वन ए बी सी, वन वन वन। अब देखो आपके पास दो कॉलम जो है सेम हो चुके हैं। बेटा एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, इसको अपने पास नोट कर लो, जब भी दो रॉस सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये आपके पास दो कॉलम जो है सेम हो चुके हैं, तो आपके पास जीरो आंसर आएगा, तो आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 11, भाई आपके पास एक डाइस है, आपने उसको रोल किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो है 3 आ जाए। तो बेटा आपको पता है कि डाइस में जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप जब उसको फेंकते हो, ठीक है, रोल करते हो, ठीक है, तो या तो आपके पास 1 आ सकता है, या आपके पास 2 आ सकता है, या आपके पास 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो चीज आपको देखनी है ना, जो आप जिसको देखना चाह रहे हो, मतलब आपने देखना है कि 3 कितनी दफा आ रहा है, तो आपने उसको ऊपर लिखना है और ये टोटल लिखना है। आपने डाइस को रोल किया तो आपके पास टोटल कितने नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो आपने नीचे लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 6 है। लेकिन 3 जो है आपके पास सिर्फ एक दफा आएगा, टीम आपके पास डाइस से फेंकते हो तो 3 जो है एक ही दफा आएगा, दो दफा तो आ नहीं सकता, तो आपके पास क्या है, 1, ठीक है। अब आपके पास आंसर क्या है, 1/6 आया, तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं, कि आपको सम बताना है फर्स्ट n ऑड नंबर, मतलब आपको n तक रखना है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 के टेबल में ना आए, तो 1, 3, 5, 7, 9 up to 100 on n तक लिखना है, ठीक है बेटा। ये आपके पास हो गए ऑड नंबर, आपने इनका सम बताना है, ठीक है। ये आपके पास a जो है 1 हो गया, अब कॉमन डिफरेंस जो है इनके दरमियान में जो है 2 के बराबर है, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, ठीक है। आपने फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, सम ऑफ जो एन टर्म्स होता है, फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a + n - 1 × d, ठीक है बेटा। अब आपके पास जो है आपने एस एन तो फाइंड करना है, ठीक है,
एन अपॉन टू आपने वैसे लिख दिया, ए क्या है वन था आपके पास, तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर टू आपके पास डी क्या है टू के बराबर है, तो आपने यहाँ पर जो है टू पुट कर देना है। ठीक है, इसके टू पुट करने के बाद आपने क्या करना है, एन अपॉन टू वैसे लिखना है, सॉल्व करोगे टू एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टू प्लस टू एन माइनस का टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास टू एन बच जाएगा। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, एन अपॉन टू और टू एन बच गया, टू से टू कैंसिल, एन स्क्वायर जो है आपके पास राइट आंसर है, ए ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो बेटा 13 एमसीक्यूज में क्या था, बहुत सिंपल एमसीक्यूज था कि आपको साइन ए गिवन है, साइन बी गिवन है, आपको साइन सी जो है फाइंड करना है। तो बेटा आप ट्राइंगल ड्रॉ करो, आपको पता है कि ट्राइंगल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, अगर आप तीनों एंगल का सम लोगे, ठीक है, तो आपके पास जो है 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब यहां पर आपको साइन ए गिवन है, तो बेटा इसका जो है आप जब साइन इनवर्स करोगे, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एंगल ए निकल के आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एंगल बी भी जो है निकल के आएगा साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो आपने जो है इनको यहां पर पुट करना है। ठीक है, आपने एंगल ए की जगह क्या पुट करना है, साइन इनवर्स 1/3, एंगल बी की जगह क्या पुट करना है, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, और एंगल सी जो है आपने इसी तरह लिख देना है। अब यहां पर 180 डिग्री रह जाएगा, अब देखो 180 डिग्री आप लिख रहे हैं और यहां जाकर जो है क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यूं आ जाएगा, जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है एंगल सी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। एक बात जहन में ख्याल में रखना कि यहां पर साइन सी पूछा गया, यहां पर एंगल भी पूछा गया आपसे, जो आपके पास एंगल आएगा ना, लेट्स सपोज मेरे पास आता है 95, तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा आपने उसका जो है साइन फाइंड कर लेना है। मेरे पास मिसाल के तौर पर 95 आता है, मैं साइन का 95 लूंगा, तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा साइन सी के बराबर होगा। तो आपने इस एमसीक्यू को जो है इस तरह सॉल्व करना है। एमसीक्यू नंबर 14 की बात करते हैं कि आपको जो है ये सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, वन तो वैसे ही रहेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर क्या है 13 है, तो बेटा मैंने सॉल्व किया तरीका बताया था कि 1 प्लस करोगे, ठीक है, इनको आपस में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या होता है 4 के बराबर होता है, तो आपके पास ओमेगा की पावर आ जाएगी 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो आपने ओमेगा लिख दिया, बीच में प्लस की साइन है। अब यहां पर देखो 26 पावर है, ऐड करो आपस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 8 क्या होती है, ओमेगा 6 इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 6 तो 1 हो जाएगा बेटा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, आपके पास ये जो है निकल के आ गया, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 के बराबर होता है, तो आपके पास ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 15 एमसीक्यूज की बात करते हैं, बेटा आपको मिडिल टर्म जो है फाइंड करनी है, ऑप्शंस गिवन नहीं है, मैं आपको ऑप्शन लिख के दिखाता हूं कि ऑप्शन क्या थे, यहां पर इस तरह के जो है आपके पास ऑप्शन थे। ठीक है, अब जो है एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं कि आपने किस तरह सॉल्व करना था, बहुत ही आसान एमसीक्यू था ये। बेटा मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, n आपके पास है 10, अब देखो 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 1 प्लस जो आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपके पास आ गई मिडिल टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने जो है सी के ऊपर क्या लिखा है, n लिखा होता है और नीचे क्या लिखा होता है, r लिखा होता है, n जो आपके पास 10 था तो आपने 10 लिख दिया। अब r क्या होता है, जो आपके पास नंबर निकल के आया ना, मिडिल टर्म निकल के आई है, इसमें से एक माइनस कर दोगे तो आपके पास r आ जाएगा, तो r क्या होगा 5 होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 16 की बात करते हैं, ये आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। बेटा ये एमसीक्यूज बहुत आसान है, देखो आपके पास x प्लस 2 की वन है, इसको आपने 0 के बराबर लेना तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, तो आपने x की जो है माइनस 2 पुट कर देना इस इक्वेशन के अंदर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और ये माइनस 2 आपके पास, सॉल्व करोगे प्लस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2, क्या आंसर आएगा, माइनस 4 आएगा, तो आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर, तो सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी थी यहाँ पर। एमसीक्यूज नंबर 17 की बात करते हैं कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ये फंक्शन है। बेटा यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख रहे हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों के दरमियान में, मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करता हूँ एक दफा। जब आपके पास दोनों वेरिएबल जो है एक साइड पे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है, इस तरह का आपके पास सवाल हो, तो ये जो है आपके पास कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन।
लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो कि एक वेरिएबल इस साइड पे है और एक दूसरी साइड पे है, तो ये आपके पास कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आप अपना सवाल देखो, इसमें एक वेरिएबल लेफ्ट साइड पे है, सेकंड जो है राइट साइड पे है, तो ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर चेंज करते हो तो आपकी वाई की वैल्यू भी जो है चेंज होती है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये वाई जो है डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो इस वजह से आपके पास ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अपने पास इस पॉइंट को नोट करो, जब दोनों वेरिएबल एक साइड पे आ जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा, और एक्सप्लिसिट कब होगा, जब एक जो है लेफ्ट साइड पे, दूसरा जो है राइट साइड पे। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे, आपने इन एमसीक्यू की लाजमी तैयारी करनी है, ये आपके राउंड टू के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करो, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोज।